एल्विश यादव, ये नाम तो आपने जरूर सुना होगा। जाने माने यूट्यूबर हैं और सोशल मीडिया की दुनिया पर उनका जलवा है। जाहिर है एल्विश अपने इसी पैशन से अच्छा खासा कमा भी रही हैं, जिसकी बानगी उनके व्लॉग्स में दिखती है। हाल ही में फेमस यूट्यूबर ने कार खरीदी है, जिसके चर्चे हर तरफ हुए। हालांकि इसी बीच एल्विश सोशल मीडिया पर बुधवार सुबह से ही ट्रेंड कर रही है। उनके नाम के साथ गमला चोर भी ट्रेंडिंग में है। कुछ यूजर्स लगातार ट्वीट्स कर एल्विश को गमला चोर बता रहे हैं। अब ऐसा करने वालों पर एल्विश का गुस्सा फूटा है। उन्होंने साफ कहा कि जो भी इस तरह की खबर फैला रहे हैं, उनके खिलाफ मैं लीगल एक्शन लूंगा। क्या कुछ कहा एल्विश ने, ये आपको आगे सुनाएंगे। उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर ये मामला शुरू कहां से हुआ। आप जानते हैं, G20 सम्मेलन को लेकर देश में सौंदर्यकरण हो रहा है। सड़कों को चकाचक किया जा रहा है, सड़क किनारे गमले रखे जा रहे हैं ताकि खूबसूरती को बढ़ाया जा सके। लेकिन इसी बीच गुरुग्राम से चौंका देने वाला वीडियो सामने आया। इस वीडियो में दो लोग एक लग्जरी गाड़ी लेकर आए और दिन दहाड़े गमले और उनमें लगे पौधों को लेकर चलते बने। हालांकि ये पूरी घटना किसी ने अपने कैमरे में कैद कर ली और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जैसे ही वीडियो सामने आया, तभी से कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जिस गाड़ी में पौधे रखे जा रहे हैं वो एल्विश यादव की गाड़ी है। वीडियो के आधार पर एक तरफ जहां गमले चोरी करने वाले शख्स मनमोहन को गिरफ्तार कर लिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ अभी भी एल्विश यादव के साथ साथ गमला चोर ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। दरअसल कुछ लोगों का कहना है कि जिस गाड़ी में गमले रखे जा रहे हैं वो एल्विश की गाड़ी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एल्विश इस गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। अपने खिलाफ चलाए जा रहे इस ट्रेंड पर बिना देर किए एल्विश ने सफाई पेश की। एल्विश ने वीडियो शेयर करते हुए ऐसे तमाम लोगों को लताड़ लगाई। एल्विश ने कहा, मैं दिल चुराता हूं, गमले नहीं, और मेरे खिलाफ इस तरह की खबरें फैलाने वालों के खिलाफ मैं लीगल एक्शन लूंगा। भाई अभी देख रहा हूं मैं, एक चीज बहुत ज्यादा एक्टिव हो रही है कि एल्विश यादव ने गमला चुरा लिया, एल्विश यादव ने वो कर लिया, एल्विश यादव की गाड़ी है। भाई दुनिया को पता है मेरे पे कौन सी गाड़ी है, गाड़ी का नंबर भी पता है, खुले में लेके चला है, अभी नई गाड़ी लिए, पोर्स उस पर नंबर भी ना चढ़ा, फॉर्चुनर है 0001। मेरे पास कोई किया कार्निवल नहीं है और मेरे मीटअप में भाई 100 गाड़ी जामे हैं, वे 100 गाड़ी मेरी है नहीं। मैंने वो गाड़ी मीटअप में यूज करी क्यों, क्योंकि उसमें सनरूफ था बस, और मेरे को बाहर निकलना था, पब्लिक को अपनी पब्लिक से हाथ मिलाना था, देखना था कि कैसे ऊपर से मजे आते हैं, दैट्स इट। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि मेरी गाड़ी हो गई वो। तो भाई अपने सोच समझ के ट्वीट करो ना, तो जो ये एक एक के ऊपर मैं वैसे भी लीगल एक्शन तो ले ही रहा हूँ, जो जो फेक न्यूज फैला रहे हैं ना, एल्विश यादव की गाड़ी, एल्विश यादव ने गमले चुराए हैं। सुधर जाओ, तारे घर तक गमले ले जाऊंगा ना। तो एल्विश ने अपनी सफाई तो पेश कर दी, लेकिन अभी भी कुछ लोग उनके खिलाफ एजेंडा चलाते हुए उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। अपनी इंस्टा स्टोरी पर एल्विश यादव ने दो पोस्ट करते हुए भी सफाई पेश की। एल्विश ने लिखा, झूठ के पैर नहीं होते, ज्यादा देर तक नहीं चल पाता, इसलिए कितना भी जोर लगा लो, कितने भी नैरेटिव सेट कर लो, हिंदुओं के लिए बोलता आया था, बोलता हूँ और आगे भी बोलूंगा, जय श्री राम। बहरहाल एल्विश यादव ने भले ही इस मामले पर सफाई दे दी हो, लेकिन अभी भी उनके खिलाफ इस तरह की बातें सर्कुलेट हो रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, गमले चुराने वाले शख्स मनमोहन को गिरफ्तार कर लिया गया है और इससे एल्विश का कोई लेना देना नहीं है। एमडी की तरफ से कंप्लेंट आई थी, जिसपे हमने कल ही केस रजिस्टर कर दिया था, और जब वीडियो फुटेज को चेक करके नंबर जो उसमें आया उसको चेक किया गया, तो उससे पता चलेगा कि वो कौन लोग हैं। और उनमें से जो एक एक्यूज्ड है मनमोहन, उसको कल शाम को ही गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो चोरी हुए गमले थे वो और जो गाड़ी जो उसमें यूज़ की गई थी उन दोनों को सीज कर लिया। क्या कुछ मंशा थी सर, क्यों चुराए गए ये गमले? अब मंशा तो गमले हैं, क्या मंशा हो सकती है, कोई क्या कह सकते हैं इसमें, लेकिन शायद सुंदर लग रहे थे। और साथ में जो उनके सेकंड एक्यूज्ड है नवाब सिंह है, वो जीमडी का एक ऑफिसर, वो कहाँ पे तैनात है सर? गुड़गांव में। सर इसमें एल्विश यादव का नाम आ रहा है कि एल्विश यादव भी इस पूरी घटना में शामिल था, क्या एल्विश यादव जो कि यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है वो इस गाड़ी में था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो ये मनमोहन है जिनकी गाड़ी है, इनका जो लड़का है उसका वो दोस्त है, तो उसने कभी इनकी गाड़ी यूज की होगी अपने यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, अदरवाइज उसका यहाँ कोई रोल, यानी एल्विश यादव का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। नहीं।